नमस्कार, मैं राजेंद्र बंसल वास्तु सलाहकार। आज आपको साउथ ईस्ट फेसिंग यानी कि आग्नेयमुखी किराने की दुकान के बारे में बताना चाहूँगा, जानकारी देना चाहूँगा। जो जानकारी मैं आपको देता हूँ वो हमेशा ही वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपने अनुभव की जानकारी देता हूँ। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपने अपने यहाँ पर सेटअप किस तरीके से करना है, क्योंकि आपकी अपनी दुकान आग्नेयमुखी है। एक कॉर्नर में साउथ आता है, एक कॉर्नर में नॉर्थ है, एक में ईस्ट है, एक में वेस्ट है, यानी फ्रंट आपका साउथ ईस्ट फेसिंग यानी आग्नेयमुखी। आपने अपने यहाँ पर किस चीज़ का ध्यान रखना है? सबसे पहले तो आपकी अपनी दुकान बाहर रोड लेवल से हमेशा ही ऊंची होनी चाहिए, नीची बिल्कुल भी नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं। इसी के साथ आपने अपने यहाँ पे बाहर शटर का जो कलर करना है वो रेड कलर, मैरून कलर या ब्राउन कलर, लाइट ग्रीन कलर भी आप कर सकते हैं, ऑफ वाइट कलर भी आप कर सकते हैं, लेकिन बाहर जो फर्श पे जो कलर आना है वो आपका अपना कलर, या तो ग्रीन कलर आए या मैरून कलर आए, रेड कलर आए। आपको अपने यहाँ पे मेन एंट्रेंस कहाँ बनानी है? मेन एंट्रेंस आपकी साउथ ईस्ट और ईस्ट के कॉर्नर पे, यहाँ मेन एंट्रेंस आपकी बनेगी। आपने यहाँ से एंटर करने के बाद रैक आपके यहाँ दोनों तरफ लगेंगे, तीनों तरफ लगेंगे, बल्कि नॉर्थ ईस्ट में भी रैक लगेगा, पीछे नॉर्थ वेस्ट में भी रैक लगेगा और आपका साउथ वेस्ट में भी रैक लगेगा। आपका अपना काम किराने का जरूर है, लेकिन आपका काम रिटेल एंड होलसेल का काम है। आपकी दुकान की गहराई बहुत ज़्यादा है, उसमें आपने फ्रंट में कंप्लीट अपना सेटअप किया हुआ है और पीछे के पोर्शन में आपने अपना गोडाउन बनाया हुआ है। आपके यहाँ माल का रखरखाव किस तरीके से होना चाहिए और किधर आपको काउंटर बनाना है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। एंट्री करने के बाद फ्रंट में आपका काउंटर बन जाता है, ये एल पोजीशन में। ऐसे ही आपका अपना एक काउंटर यहां आ जाता है, यहां से अंदर आने का रास्ता रहेगा। ओनर की सीटिंग जो आएगी वो यहां पर आनी चाहिए, स्टाफ यहां बैठना चाहिए, स्टाफ यहां बैठना चाहिए। ओनर तो खैर कहीं भी बैठ सकता है, ओनर के बैठने में दिक्कत नहीं है। आपने अपने यहाँ पर माल कहाँ हल्का लगाना है, कहाँ भारी लगाना है, इसके बारे में बताना चाहूँगा। साउथ से साउथ वेस्ट में जितने भी रैक लगेंगे आपके, इनमें माल वजनदार आना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट में भी माल वजनदार आ सकता है, लेकिन कौन से वाले, इसमें वजनदार आ सकता है, यहाँ सामान आपका हल्का आना चाहिए, वजन में हल्का आना चाहिए। ऐसे ही इस वाले काउंटर में सामान आपका जो भी जितना भी आएगा वो हल्के वाला सामान आएगा, और नॉर्थ ईस्ट में तो बिल्कुल ही लाइट वेट सामान आएगा, जैसे कि आपके अपने नमकीन बिस्कुट चाय पत्ती हो गई। भारी सामान, क्योंकि किराने की दुकान में बेशुमार आइटम है, आपके अपने जितने भी गर्म मसाले हैं, मसाले भी आपके सारे के सारे नॉर्थ ईस्ट की दीवार पर, नॉर्थ ईस्ट के रैक में आ जाएंगे। हर एक दुकान के अंदर एक चीज़ है, अब वास्तु के नियम के अनुसार नॉर्थ ईस्ट में तो कोई भी वजन आना ही नहीं चाहिए, लेकिन दीवार को खाली नहीं छोड़ा जा सकता, सामान जरूर रखा जाएगा। हाँ, आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपने नॉर्थ ईस्ट में सामान हल्का रखना है, साउथ ईस्ट में भारी रखना है, और रैक के साथ साथ आपके अपने इस काउंटर में भी आपका अंदर सामान आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हल्का सामान भी आ सकता है, भारी सामान भी आ सकता है। जो आपने अपने यहाँ पे पीछे माल लगाना है, किस में, गोडाउन में, वेस्ट से साउथ वेस्ट की ओर, यहाँ पर आपके अपने यहाँ बोरी आ जाते हैं, कट्टे आ जाते हैं, क्योंकि आपका होलसेल का काम है। होलसेल के काम में आपका भरपूर इस ब्लॉक में कंप्लीट सामान आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आपको लगाना है। लेकिन मैं आपको फिर कहूँगा, इस वाले हिस्से को तो आप बिल्कुल खाली छोड़ दें, यहां कभी भी कोई भी माल नहीं लगाना है।
आपने पीने का पानी ही इस वाले हिस्से में रखना है। मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, पानी रखने का मतलब ये है कि जब पानी रखा होगा तो ये एरिया आपका खाली होगा। आप अपने यहाँ पे एक चीज का और ध्यान रखें, आपने इलेक्ट्रिक मीटर या इन्वर्टर ईस्ट कॉर्नर से लेकर नॉर्थ ईस्ट होते हुए नॉर्थ तक इस एरिया में नहीं लगाना है। इलेक्ट्रिक मीटर और इन्वर्टर आपने साउथ जोन में इस वाले हिस्से में ही इलेक्ट्रिक मीटर लगाना है और इन्वर्टर को भी आपने यहीं कहीं रखना है। आप इस हिस्से में भी इन्वर्टर रख सकते हैं लेकिन मीटर आपका यहीं लगेगा। आपकी अपनी कंप्लीट दुकान के अंदर आपने इन्वर्टर और मीटर और इसके साथ साथ एसी भी आपने यहीं पर लगा लिया नॉर्थ ईस्ट में। एसी से प्रॉब्लम नहीं है, एसी की जो वोल्टेज लगती है, टेम्परेचर जो लगता है, उससे प्रॉब्लम होती है क्योंकि वोल्टेज हमेशा ही गर्म होती है। गर्म का मतलब जितनी देर एसी चलेगा उसके अंदर हीट पैदा होगी। तो मैं आपको कहूंगा आप एसी को भी नॉर्थ ईस्ट वाल पे न लगा के साउथ वेस्ट वाल पे इस हिस्से में लगाए, या आप यहाँ भी कहीं, यहाँ कहीं भी आप लगा सकते हैं। मैंने मैक्सिमम से मैक्सिमम जगहों में देखा है जिसके यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट वाल पे इन्वर्टर आ गया, इलेक्ट्रिक मीटर आ गया और साथ में एसी भी लग गया और इसी के साथ साथ फ्रिज भी आपके यहाँ इसी जोन में रखे गए, फ्रिज या डीप फ्रीजर। तो आपकी दुकान में इनकम कभी भी आ ही नहीं सकती। कस्टमर तो आएगा, माल भी लेके जाएगा, कहीं ना कहीं आपको नुकसान लगता ही रहेगा। आपकी परचेजिंग हमेशा ही महंगी होती है और परचेजिंग होने के बाद माल के रेट कम हो जाते हैं या फिर आपके यहाँ माल मैक्सिमम उधारी में जाता है, आपके टाइम पर पेमेंट नहीं आती है, आपको हमेशा ही पेमेंट कहीं ना कहीं से अरेंज करनी पड़ती है। क्या चीज़ होने पर? एसी होने पर, इन्वर्टर होने पर, साथ में इलेक्ट्रिक मीटर। मैं आपको कहूंगा आप इन चीजों को यहां से इधर की ओर ले। फ्रिज डीप फ्रीजर आपके यहां लगे हैं, उनको भी आपने इस साउथ साउथ ईस्ट की ओर ही एडजस्ट करना है। साउथ ईस्ट में भी आप लगा सकते हैं, स्पेस आपको मिले तो। आपको अपने यहां पे मंदिर यहां लगाना है, कहां पर? साउथ ईस्ट में। आप गेट से लेके कॉर्नर तक मंदिर कहीं भी लगा सकते हैं जहां आपको स्पेस मिल जाए। जो गल्ला आपने बनाना है, जो कैश बॉक्स बनाना है, जो ड्रॉर आपने बनानी है, क्योंकि ओनर जहाँ बैठेगा, चाहे ओनर यहाँ बैठे, चाहे ओनर यहाँ बैठे, चाहे ओनर यहाँ बैठे, ओनर के सामने और स्लाइटली राइट की ओर ड्रॉर होनी चाहिए क्योंकि इस्तेमाल करने में, यूज करने में कंफर्टेबल रहती है। और मैं आपको कहूँगा ड्रॉर एक नहीं बनानी, कैश बॉक्स एक नहीं बनाना, दो बनानी है। कहाँ पर? एक साउथ जोन में भी बनानी है, साउथ साउथ वेस्ट में भी, जो कि नॉर्थ ईस्ट की ओर ओपनिंग होगी। आपने जब भी आपके पास पेमेंट आती है, क्योंकि आपका अपना काम जो है होलसेल का, होलसेल के काम में पेमेंट इकट्ठी भी आती है, ज़्यादा भी आती है, चेक भी आते हैं और इसी के साथ साथ आपको पेमेंट देनी भी होती है। मैं आपको कहूँगा आप इस ड्रॉर के अंदर पेमेंट रखें, जब ज़्यादा पेमेंट आए तब भी इसमें रखें और जिस पार्टी को आपने पेमेंट देनी है, चेक देना है, वो भी आप इसी ड्रॉर से निकाल के दें। आपके यहाँ भी बरकत आएगी, सामने वाले के यहाँ भी बरकत आएगी, यानी कि उसके यहाँ भी आपके यहाँ का गया हुआ पैसा खुशहाली लेके आएगा और आपके यहाँ भी आने वाला पैसा खुशहाली लेके आएगा। कहाँ पर? इस एरिया में रखने से। जब आप रूटीन में तो इन ड्रॉर का इस्तेमाल करते रहें, कैश लेते रहें, लेकिन सुबह दोपहर शाम जब भी आपको लगता है कि पेमेंट ज़्यादा इकट्ठी हो गई, उस पेमेंट को आप इधर की ओर ट्रांसफ़र करते हैं। आप अपने यहाँ पर इस तरीके से सेटअप करते हैं तो मेरा अपना ये मानना है आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। मैं एक बात और कहूँगा आपको, आपके यहाँ पर इस कॉर्नर में गेट बना हुआ है और ओनर यहाँ बैठा है, काउंटर इसी तरीके से लगे हुए, कस्टमर यहाँ आके खड़ा हो जाता है, तब मैं कहना चाहूँगा क्योंकि जहाँ सिटिंग होती है उस एरिया की ओर माल ज़्यादा आता है।
जब आपने नॉर्थ ईस्ट के हिस्से में माल ज़्यादा लगा दिया, कहीं ना कहीं आप नुकसान में घाटे में हमेशा ही बने रहेंगे। आप एक नहीं हजारों तकलीफ़ों से ज़रूर गुजरेंगे। उसके पीछे एक कारण और भी है जो आपने नोटिस नहीं किया। रीज़न है, दुकान के अंदर जिस जगह गेट होता है, जहाँ से एंट्री की जाती है, जब दुकान को बनाया जाता है, उसकी फर्श की ढलान स्लोप कंप्लीट गेट पे ले आते हैं। आपके यहाँ फर्श का जो स्लोप है, क्योंकि गेट ईस्ट में बना है, तो स्लोप सारा ईस्ट में आता है। और साउथ की ओर स्लोप होने पे टोटल माइनस की ओर जाते हैं, टोटल नुकसान की ओर। इसलिए मैं आपको कहूंगा, आपके यहां गलत सेटअप बना हुआ है और आपको लगता है कि हाँ आपके साथ ऐसा ही हो रहा है जैसा बंसल जी ने कहा है, तो आप एक बार विचार जरूर करें बदलाव करने से पहले। बहुत अच्छे से दोबारा मेरी वीडियो को सुने, समझें, आपको लगे कि बंसल जी की बात सही है, फिर आप अपने यहाँ बदलाव कर सकते हैं। मेरी वीडियो देखने के बाद आपके अपने मन में भी कई सवाल आते हैं। मैं भी बंसल जी से अपनी साइट की, अपनी दुकान की, अपने शोरूम की या अपनी फैक्ट्री की वीडियो बनवाना चाहता हूँ, या फिर लेआउट के ऊपर डिस्कस करना चाहता हूँ, सलाह लेना चाहता हूँ, तो आप निसंकोच होकर मेरे से वीडियो भी बनवा सकते हैं और सलाह भी ले सकते हैं। आप सभी अपना कीमती समय निकालकर मेरी वीडियो देखते हैं, आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह अगले प्रोग्राम में एक बार फिर एक और नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।